ये मेरा डॉग है जी एजेक्स, ये बेनिटन इनटू निकिता का सन है जी, और ये स्पेशलिटी में 7th वेस्टिन 100 लगा है, 2 CC इसको लग चुकी है, RCC तो बहुत ले चुका है ये। ओके गाइस, तो इस फार्म की ये दूसरी कलेक्शन है। हाँ जी सर, ये सर फीमेल है मेरी, ये 2 ईयर की हो चुकी है, ये इम्पोर्ट फीमेल है, डीनो निकोलस की बच्ची है सर। ये मेरी बहुत चहेती फीमेल है, रोक्सी इसका नाम है, और ये 2.5 साल की हो चुकी है जी। सर इसका नाम एलेक्सा है, और ये बेनिटन इनटू कोडेक्स निकोलस की बच्ची है, अपने योगेश त्यागी जी हैं, उनका जो डॉग है कैरी उसकी बच्ची है ये। एलेक्सा के साथ उड़ान से मैं कराई थी, ये उसी की बच्ची है जो मैं आपको बता रहा था, 3 मंथ की बच्ची हो चुकी है। 3 फीमेल है मेरे पास, तीनों मैंने रिटेन की हुई है, तीनों सेम क्वालिटी है जी। गाइस ये 3 मंथ की है इसकी फीमेल है, बड़ा कितना है, 15 के आसपास है, बड़ी वेट है ये, क्वालिटी। आ जा आ जा आ जा आ जा, ड्राइव देखो सर आज फीमेल की, इसको बोलते हैं ड्राइव, ये होती है ट्रू ब्रीड लाइन, इसीलिए पैसे होते हैं। आप 5,000 का भी रोटवेल ले सकते हो और 50 का भी ले सकते हो। हेलो गाइस, कैसे हो आप, होप यू डूइंग ग्रेट गाइस। आज हम आए हैं दिल्ली, न्यू दिल्ली, ये दिल्ली से थोड़ा सा बाहर को आकर एक आपने देख ही लिया होगा कि आगे जाना खतरनाक है, लेकिन हम आगे आपको लेकर चलते हैं, कुछ ऐसा दिखाते हैं जो कि एक ऐसे पर्सन से जो ओपन चैलेंज कर रहे हैं, जिनके पास XXL अमेरिकन बुली है, जिनके पास बहुत बढ़िया चैंपियन CC वाला रॉटवाइलर है, लेकिन इस साल कुछ अच्छा नहीं गया, BOB तो बहुत मिली, लेकिन वो चैंपियन वो बनाना चाहते हैं, और अगले साल के लिए अभी मेरी कुछ बात हो रही थी उनसे पहले, वो बोले मैं इतनी मेहनत करूंगा कि अगले साल सभी चैंपियनशिप पर मेरा ही डॉग का नाम चले। उनसे मिलाते हैं, ये एक और, क्योंकि हमेशा रॉटवाइलर या जिस घर में अमेरिकन बुली होते हैं तो वहां पर तो आपको हमेशा ये बोर्ड लगाने चाहिए कि भाई सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। तो सर हैं यहाँ पर। ओके जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं नमस्कार। पहले माइक लगा दूं, एक बार अपने सेल्फ इंट्रोड्यूस कीजिए सर। सर मेरा नाम विजय शिवरान, मैं साउथ दिल्ली सैनिक फार्म नियर साकेत मेट्रो स्टेशन के पास रहता हूँ जी। दिखाइए अपना है, अपनी पूरी कलेक्शन। आइए आइए सर, आइए। हाय गाइस, कैसे हो आप, होप यू डूइंग ग्रेट। हम आए थे न्यू दिल्ली डॉग शो कवर करने, लेकिन हमें एक वहां पर हमारे बहुत सज्जन प्रेमी मिल गए जी। इनको पहले हम मिले थे देहरादून डॉग शो में, और अब तो इट्स लाइक अ फैमिली मेंबर। बट सर बताइए थोड़ा अपने बारे में। सबसे पहले तो जी आपका मेरे पास आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी अपने सब्सक्राइबर देख रहे हैं, जितने भी अपने व्यूवर देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम विजय शोरान, मैं साउथ दिल्ली सैनिक फार्म रहता हूं, और ये मेरा डॉग है जी एजेक्स, ये बेनिटन इनटू निकिता का सन है जी, और ये स्पेशलिटी में 7th वेस्टिन 100 लगा है, 2 CC इसको लग चुकी है, RCC तो बहुत ले चुका है ये। पहले तो मैं आपके थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड इंट्रोड्यूस कराइए, कहां से हो आप? सर मैं प्रॉपर वेस्ट UP का रहने वाला हूं, बागपत से, और हमें दिल्ली रहते हुए काफी समय हो गया है। और आपका इस ब्रीड में मोस्टली रॉटवाइलर में स्टार्ट करने का, पहले तो आप ब्रीडिंग लाइन में कैसे आए? सर ब्रीडिंग लाइन तो ये है, देखो हम हमेशा से ही गांव से जुड़े हुए लोग हैं, डाउन टू अर्थ हैं, तो हम बचपन से ही पशु प्रेमी रहे हैं, तो ऐसे ही धीरे 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 कुत्ते पालने का शौक था, तो शौक के साथ अपना ब्रीडिंग लाइन में भी आ गए। और दिल्ली में रहकर इस ब्रीड से स्टार्ट करना, ये कितना बड़ा चैलेंज था? सर चैलेंज तो क्या है, वही होता है कि ये बस जैसे आप इनको बच्चों की तरह रखो, तो ये भी आपके साथ बच्चे बन के ही रहते हैं। वैसे ही रॉटवीलर के ऊपर वैसे ही बहुत सारे को बातें उठती हैं। नहीं नहीं सर, जो बातें उठाते हैं मैं उसको लाइव प्रूफ दूंगा, मेरे पास आओ और मैं दिखाता हूँ क्या होता है रॉटवाइलर। रॉटवाइलर मेरे हिसाब से मैं नहीं मानता इसकी टक्कर का कोई सिक्योरिटी डॉग होगा। अब जैसे ये मेरे साथ रहता है 24/7, सोएगा मेरे साथ, खाएगा मेरे साथ, रहेगा मेरे साथ। अगर मेरे स्टाफ का भी कोई बंदा मुझे ऐसे भी हाथ लगाता है तो ये सीधा बोल देता है नो। वन ऑफ द बेस्ट गार्ड डॉग है जी। यस सर, अब मुझे इतना विश्वास इस डॉग पे है देखो कि मैं मानता हूं मेरी इतनी हाई सिक्योरिटी है। 2 डॉग रहते हैं मेरे साथ, एक ये और एक फीमेल रहती है। मुझे मतलब मैं बेचिंत होकर सोता हूँ फार्म पे अपने,
मुझे ये रहता ही नहीं है कि कोई टेंशन है नहीं है, मुझे पता है मेरे सिक्योरिटी गार्ड इतने हाई है वो खुद संभाल लेंगे। गाइस ये वो ब्रीड होती है जो अपने मालिक के लिए मर भी जाती है और मार भी देती है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल राइट, बट एंड ऑफ द डे बिहेवियर जो होता है वो हमेशा वो बनाने से होता है। जैसे आप उसको बनाओगे वो वैसा बनेगा। देखो देसी में कहते हैं कि जैसा गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा, कम डालोगे कम होगा, ज्यादा डालोगे ज्यादा होगा, नमक डाल दोगे तो नमकीन होगा, मीठा डाल दोगे तो मीठा ही होगा। थोड़ा इसका एज के बारे में बताइए सर। इसकी एज 1.5 साल हो गई है पूरा, ये 18 महीने का हो चुका है। और इसकी हाइट कितनी? हाइट सर इसकी 26 के आसपास है। ओके जी सर। गाइस ये देखिए साइड से देखो, वाओ लुक के रॉटवाइलर, ये मैं कहूंगा दिल्ली का इस एरिया का सबसे बेस्ट में से बेस्ट है। हेड साइज देखिए और उसका पूरा पोजीशन, वाओ सर थोड़ा चलाकर दिखा दीजिए। हाँ सर बिल्कुल। एज एक्स, कम 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 बॉय, गुड बॉय, नो वेज अम 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 वेज अम 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 अम। सर थोड़ा बताइए इसकी स्टड सर्विस ओपन है अभी नहीं? सर स्टड सर्विस इसकी ओपन है। हाँ, हाँ जी। तो उसके लिए वो ऑब्वियसली फीस डिमांड ही होगी। फीस डिमांड है बच्चे के ऊपर, बच्चे के ऊपर नहीं। कुछ आईडी लोग क्या करते हैं, मैटिंग करवा लेते हैं, जब बच्चे का टाइम आता है कोई बोल देता है जी बच्चे मर गए, कोई कहता है जी फीमेल खाली निकल गई, कह रहा जी फीमेल तो मर गई, फीमेल का तो ये हो गया। तो मैंने इसकी स्टड फीस बहुत वाजिब रखी हुई है, 30,000 रुपए। एक बार दोबारा बता दीजिए कि ये कहाँ कहाँ और क्या क्या जीता है। सर ये दो इसको सीसी लग चुकी है, आरसीसी की इसने झड़ी लगा रखी है। अब पता नहीं जजों को क्या मूड बना हुआ है कि तुम्हारे कुत्ते को आरसीसी तो देनी है, चैंपियन तो ये होएगा, लेकिन सीसी नहीं देनी है, चैंपियन तो बनाएंगे तरसा के बनाएंगे। तो ये इसको 2 सीसी 6 आरसीसी मिली हुई है और ये लखनऊ स्पेशलिटी में 7th बेस्ट इन 100 लगा है। ये पप्पी क्लास में सिर्फ 1 ही 100 खेला था इसने करनाल में, तो ये पप्पी बेस्ट इन 100 लगा था। गाइस और कुछ नहीं है, सर की थोड़ी फ्रस्ट्रेशन है, ऐसा होता है 6-6 महीने 8-8 महीने मेहनत लग जाती है और जब आप फिर सीसी तक नहीं पहुंच पाते तो डोंट वरी, अभी हम इसके 2 साल इसकी उम्र है, बहुत लंबा है। 1.5 साल 1.5 साल 18 मंथ इसकी उम्र है और अभी बहुत लंबा समय है। और सर अभी मेरे साथ कैमरा ऑफ था, बातें कर रहे थे कि अगले साल सारी सीसी मैंने लेनी है। थैंक यू वेरी मच। ओके गाइस तो इस फार्म की ये दूसरी कलेक्शन है। हाँ जी सर। ये सर फीमेल है मेरी, ये 2 ईयर की हो चुकी है, ये इम्पोर्ट फीमेल है, डीनो निकोलस की बच्ची है। और अभी तक ये आज इस सीजन में कहा अभी तक ये सो नहीं हुई है, सिर्फ ये कल सो हुई थी, अपना कैपिटल कैनल क्लब का जो डॉग शो हुआ था उसमें ये कल सो हुई है। और अनट्रेंड और अनप्रैक्टिस फीमेल है, इसको मैं सिर्फ ट्राई के तौर पे लेके गया था, आने वाले सीजन में मैं इसको शो के लिए रेडी करूंगा। और वहां पर जज साहब के क्या वर्ड्स थे? जज साहब ने बोला कि वेरी नाइस फीमेल, वेरी नाइस टाइफाइड, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि आप इसको एक्सरसाइज कराओ, मूवमेंट थोड़ी सी इसकी स्लो है। वो तो गाइस होता है जब फर्स्ट टाइम पहला शो होता है ना, तो उस तरह इस तरह प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है, क्योंकि मेरा ना कोई भी मूड नहीं था इसको शो करने का, थोड़ा सा वही है कि डॉग जो है वो आरसीसी, इसलिए मैंने सोचा कि फीमेल को भी साथ में उतारता हूँ। वेरी गुड। तो गाइस अभी इसकी एज क्या बताई आपने? सर 2 ईयर इसकी एज हो चुकी है। टू ईयर्स हाँ, एज हो गई है। तो गाइस अभी नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी चल रही है सर की? ये सर्बियन इम्पोर्ट है, डीनो निकोलस की बच्ची है। दैट्स वेरी गुड। हाँ जी बहुत अच्छी प्रोड्यूसर है, 1 लीटर इसका पहले ले चुके हैं, वो मिंटू भैया है जो अपने मिंटू यादव जी साक्षी कैनल से, उनके पास लीटर हुआ था इसका, उन्हीं से मैंने ये खरीदी है। इसका 1 लीटर हो चुका है? हाँ जी हाँ जी। कितने लीटर ये था? 10 पप्पी हुए थे जी फर्स्ट टाइम इसके, अभी उनके पास एक 7 मंथ का इसका मेल पप्पी है, वो दे नहीं रहे, मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की कि भैया दे दो, कह रहे नहीं अभी इसको नहीं देना है। तो मतलब ये मान के चलो कि इससे भी ज्यादा अब हाल फिलहाल जो उसकी बॉडी कंडीशन है वो इससे ज्यादा है, हेड साइज इससे ओवर चला गया, वेट उसका बहुत ज्यादा है, बाकी फीमेल बहुत जबरदस्त है। कुछ आइडिया तो कुछ प्राइस बता सकते हो पप्स का? इस तरह के पप्स का जो चैंपियन लाइन के होते हैं या इम्पोर्ट लाइन के होते हैं, देखो इम्पोर्ट लाइन भी होती है चैंपियन लाइन होती है, कैसे भी बोल लो क्वालिटी करती है पप्पी, मतलब पप्पी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वालिटी कैसी है पप्पी की। एक बच्चा आपको जैसे ये मैं मेरी फीमेल है, अब ये किसी मतलब अच्छे डॉग से जो सर्बिया से या कहीं से भी इम्पोर्ट होगा, अच्छा डॉग होगा, तो उससे अगर मैं इसको मैट कराऊंगा तो पप्पी जैसी क्वालिटी होगी उसी हिसाब से लगा लो 80,000 से लेके 1 लाख तक इसका पप्पी चला जाता है विद पेपर विद केसीआई पेपर। और जैसे कि अपना लगा लो
कोई मतलब इंडियनी ब्रीड है, इंडिया में पैदा हुई है, उसके मदर फादर पीछे से इम्पोर्ट रहे हैं, ऐसा कोई बच्चा होगा अच्छी क्वालिटी का, वो 50 से 60 हजार रुपए की रेंज में आता है। ये प्राइस रहता है रॉटवाइलर का, हमेशा चैंपियन लाइन का। जैसे कि मैंने बताया कि जो मेरा मेल है उसका फादर सर्बिया से इंपोर्ट था बेनिटन, उसको सब जानते हैं इंडिया में। उसकी जो मदर है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, मिंटू भैया के पास निकिता फीमेल होती है, उसको वर्ल्ड जानता है। तो गाइस इस तरह जब आप जब कोई लाइन चलती है ना, तो फिर लाइन का प्राइस हमेशा ब्लड लाइन का बहुत बिग रोल प्ले करता है पपीज प्राइस में। और इसको 90% वही लोग खरीदते हैं, या तो कलेक्शन अपने अपने घर के अपने फार्म की शोभा बढ़ाने के लिए, या फिर फ्यूचर में अगर को ब्रीडिंग लाइन में आना हो। डॉग गेम इज वेरी बिग थिंग अगर आप प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो करो, और ये बहुत बड़ा स्कोप है इसमें। हाँ, शोर में जाना टफ वर्क वो सभी है, लेकिन उसमें ब्लड लाइन और हमेशा डॉग का जो माँ बाप है वो रोल बहुत बिग रोल प्ले करते हैं। तो और सर नेक्स्ट कलेक्शन दिखाइए सर। सर नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। तो गाइस ये है नेक्स्ट कलेक्शन सर के फार्म की। अनसर सर ये जो है अपने योगेश त्यागी जी है, उनका जो डॉग है कैरी में उसकी बच्ची है ये, इसका नाम एल्सा है। ये होगी है अपना 22 मंथ्स की हो चुकी है, और अभी ये जो है अपने एजेक्स से मैट हुई है, इसको 25 दिन हो गए मैट हुए। तो 25 दिन लगभग कि 63 के आसपास फीमेल बच्चे देती है। हाँ जी, हाँ तो लगभग 2 महीनों के बाद। हाँ जी, हाँ जी, अभी कम से कम लगा लो कि 40 दिन के आसपास इसका है अभी डिलीवरी टाइम जो है। सर एक ना मैं अभी देख रहा हूँ व्हाइट मार्किंग है। हाँ जी, इसके बारे में थोड़ा। सर व्हाइट मार्किंग तो आजकल जो इम्पोर्ट डॉग आ रहे हैं, चाहे आप जर्मन शेफर्ड ले लो चाहे आप रॉटवाइलर ले लो, ज्यादातर डॉग में आ रही है व्हाइट आ रही है। हाँ जी, इसमें भी एक व्हाइट स्पॉट है। हाँ जी, हाँ जी। तो गाइस इसमें आप कभी ये मत सोचिए कि बच्चा वो प्योर नहीं है। हाँ जी, ये व्हाइट स्पॉट प्योर होता है, प्योरिटी में कोई वो नहीं होता है। जैसे पहले बोल देते थे कि अगर कहीं भी चेस्ट पे जर्मन शेफर्ड में कहीं भी आ गया तो वो मिक्स ब्रीड हो गया। हाँ। आजकल आ ही रहा है, सभी ब्लड लाइन में आ रहा है, जर्मन हो चाहे रॉटवाइलर हो, दोनों में आ रहा है। और ये केसीआई के जज भी इसको प्रूव करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये नॉर्मल है। तो ये अब मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि कोई कुछ भी वो देखेंगे वो कहेंगे कि यहाँ पर व्हाइट मार्किंग है उसका ये। तो गाइस अभी एक और बार रिपीट, क्योंकि इसको 40 दिन अभी बचे हैं डिलीवरी में, उसके बाद 45 दिन के आसपास फर्स्ट वैक बच्चे सेल होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो लगभग अराउंड यही कुछ 80 दिन के आसपास, 2 महीने आप पकड़ लो, 2.5 से 3 महीने के आसपास पकड़ लो, तब तक इसके बच्चे रेडी हो जाएंगे। तो अगर आपको पप्स चाहिए किसी बढ़िया चैंपियन लाइन आपके, तो उसका नंबर आपको दिलवा देंगे और लोकेशन भी आपको प्रॉपर बताएंगे। तो ये इसका नाम सर? सर इसका नाम एलेक्सा है, और ये बेनिटन इनटू कोडेक्स निकोलस की बच्ची है। और इसकी एज क्या है? इसकी एज होगी है सर, वो मेल अपना 18 मंथ का हो गया। हाँ। ये 21 मंथ की होगी। 21 मंथ की है। हाँ जी, हाँ जी, 20 या 21 के आसपास ही है ये। 1 लीटर इसका हो चुका है मेरे पास। हाँ। इसने बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया है। इस पे मैंने अपने मिंटू यादव जी का जो एक डॉग आया था नया उड़ान, वो इस पे यूज किया था। इसकी 3 बच्ची मैंने रिटेन की हुई है, 3-3 महीने की होगी है। तो वो 3 बच्ची आप ही के पास रहेगी? हाँ जी, वो मेरे पास रहेगी, मैं उनको अगले सीजन के लिए रेडी करूंगा। तो गाइस एक ना ब्रीडरों का ये भी होता है कि अगर लीटर में बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन के साथ अगर बढ़िया पपीज हो तो फिर वो अपने पास रख लेते हैं, वो आगे मेल हो या फीमेल हो अपकमिंग शोज के लिए उसकी तैयारी चलती है। तो रॉटवाइलर वेरी फ्रेंडली गाइस, ये ऐसा कुछ नहीं है जो बार बार अफवाहें चलती हैं कि इसने ऐसा कर दिया इसने वैसा कर दिया। ये मैं पहली बार इनसे, आप पहली बार इससे मिल रहे हो, और क्या हो सकता है इससे अच्छा ये। और इन चार डॉग मेरे पास ही अभी देखो आकर वेरी फ्रेंडली रॉट। अगर आप गांव में या कहीं भी देखो, रॉट मेरा फेवरेट है, मेरी जैनी आप सब जानते हो, मैं हमेशा ही इस ब्रीड में रहता हूँ। एक कहावत है हमारे कभी बुजुर्ग जो हम ब्रीडर टॉक कहते हैं कि वो बंदा ही क्या जिसके घर में बुलेट मोटरसाइकिल और रॉटवाइलर डॉग ना हो। हम ऐसे अक्सर जोक चलते रहते हैं, उपता आपते भी ऐसा ही कुछ माइंडसेट चलता है। तो थैंक यू, आप रेस्ट कीजिए अभी जाकर वो। चलो 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 चलो, इसके बारे में बताइए सर, ये कलेक्शन क्या? सर ये मेरी बहुत चहेती फीमेल है, रॉक्सी इसका नाम है, और ये 2.5 साल की हो चुकी है जी। एक इसने मेरे पास लीटर दिया था, उसके बाद मैंने इससे लीटर नहीं लिया है। अभी ये हीट में चल रही है, अभी इसको एजेक्स से मैट कराएंगे। गाइस लुक द ब्यूटी, रॉट वाले जो वैसे तनकर खड़े होते हैं ना, देखो आपका मन नहीं भरेगा इसको देख देख कर। वाह, जब रिंग डॉग शो होता है ना तो दो ही रिंग में ज्यादा मारो मार होती है, एक रॉटवाइलर में दूसरा जर्मन शेफर्ड में। आजकल सबसे ज्यादा था रॉटवाइलर में, ये रिंग भी देखी होगी। हाँ। रिंग में क्या हुआ था?
ये चलन काफी बढ़ गया। हाँ जी हाँ जी, आगे से अट्रैक्शन करने का फायदा लगा लो आप, पूरे डॉग शो एक तरफ और रॉटवाइलर और जर्मन शेफर्ड की रिंग एक तरफ, जितना क्राउड रॉटवाइलर और जर्मन शेफर्ड में होता है आप किसी ब्रीड में देखोगे नहीं। ये आगे से अट्रैक्ट करने का, ये उसके बिना ये अपने पूरी शेप में नहीं आते है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये वर्किंग डॉग है सर, तो इसके लिए आगे अट्रैक्ट करना चाहिए। 24 घंटे पावर में रहना है, अगर ये सुस्त हो जाएगा तो फिर इससे अच्छा तो फिर वो ये गधे घोड़े पाल लो, गाय पाल लो। फिर इसने वर्क करना है 24 घंटे, इसने रेडी रहना है, इसको पता है कभी भी भागना पड़ सकता है, कुछ भी करना पड़ सकता है। आपका रुझाव? हाँ जी, रॉटवाइलर में ही ज्यादातर क्यों है सर? रॉटवाइलर मुझे पसंद है, एनर्जी डॉग है, लेकिन आपने जो काम स्टार्ट किया है वो है दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में, और यहाँ पर जो लोग हैं छोटे घर होने के कारण फिजिकल एक्सरसाइज में दिक्कत होती है रॉटवाइलर को। देखो ये बात तो आपने सही बोली कि एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो पाती, छोटे घरों में रहते हैं, ये वही डॉग एग्रेसिव होता है जो छोटे घर में रहता है, पूरे दिन बंधा रहता है, उसको खुलने की जगह नहीं होती है, वो घूम नहीं पाता है या ओनर उसको टाइम नहीं दे पाता है, इस कारण से डॉग थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, तो फिर रॉटवाइलर बदनाम हो जाता है। हाँ जी, अगर आप इसको प्रॉपर समय देंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि डॉग एग्रेसिव होगा। लेकिन आप उस ब्रीड में इन्वेस्ट कर रहे हो अपना समय और पैसा। हाँ जी, जो यहाँ पर आपको लग रहा है कि उसका कस्टमर बहुत कम बेस होगा। सर कस्टमर तो कम होगा, लेकिन हम जहाँ रह रहे हैं तो सहूलियत तो हमें वही होगी ना। हाँ। वैसे कि जैसे लगा लो, अब हम यहाँ से गांव की तरफ ही चले तो हमारा गांव यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर है, हमारी 1.5 घंटे की ड्राइव है, और अभी हमारा जो नया एक्सप्रेस वे बन रहा है दिल्ली देहरादून, उससे तो हमें 1 घंटा लगेगा जाने में, हमारे घर पे उतरेगा वो जाकर। तो आपका क्लाइंट बेस ज्यादातर है वो आपको लगता है कि गांव से जरूर से रही है? सर क्लाइंट तो ऑल ओवर इंडिया आता है, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा आजकल ऐसी हो चुकी है, आप कहीं भी किसी भी कोने में इंडिया के डॉग मंगा सकते हो, वही आपको घर पे अवेलेबल होता है। बस आप कोई रॉटवाइलर अगर आपसे जैसे लेता है, हाँ जी, हाँ जी। साथ में आप उनको क्या क्या गाइडलाइन बताते हो, एक और व्यूअर्स को वो बता रही कि इसको रख रखाव? सर रख रखाव का ये, इसको थोड़ा भाई टाइम पे एक्सरसाइज वगैरह कराओ, थोड़ा इसको अपने से अटैचमेंट रखो, तो आपके साथ ये बहुत अच्छा रहेगा, फैमिली मेंबर की तरह रहेगा। खान पान में सर देखो, जैसा आप इसे रोटी पे भी डॉग पल जाएगा, नॉनवेज पे भी पल जाएगा, लेकिन जो इसकी डाइट है, जो इसकी खुराक है, वो तो नॉनवेज है सर, नॉनवेज, क्योंकि उसके बिना जो इसकी पावर है, जो मसल्स है, वो बन के नहीं आएगी। अब जैसे लगा लो अपना देसी गांव में पहलवान होते हैं, एक तो खाली रोटी सब्जी खा रहा है, दूध पी लिया या घी खा लिया, एक है छुहारे बादाम खा रहा है, काजू खा रहा है, घी भी खा रहा है, एक्सरसाइज भी मार रहा है, तो दोनों में अंतर आ जाता है। तो इस तरह इस ब्रीड को नॉनवेज देना जरूरी है, नॉनवेज के बिना चलेगा ही नहीं है। डॉग फीड के बारे में आपका क्या? डॉग फीड तो सर, डॉग फीड में तो नहीं, कभी नहीं दिया अपने डॉग को, घर का खाना देता हूँ मैं, मेरा चिकन राइस चलता है बस, और दही वगैरह में इनको देता हूँ, जैसे अब गर्मी आ रही है तो इनको दही चलेगी। ठीक है। हाँ जी। बाकी एक और बात बताइए कि जो आपके अब कि छोटे घर में अगर कोई डॉग लेने आपसे आए, हाँ जी हाँ जी, तो फिर वहां पर आपका रिएक्ट क्या होगा कि भाई छोटे घर में अगर आप रखो तो छोटे घर में रह लेगा ये, इसको ऐसी कोई बात नहीं कि छोटे घर में नहीं रह सकता, लेकिन आपको उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, सुबह शाम उसको घुमाना पड़ेगा, तो आप 15 मिनट आधा घंटा इसको घुमाओ, साइकिलिंग कराओ, तो ये अपना जो है अपनी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको कंट्रोल कर लेगा, ड्रेन ऑफ कर लेगा। तो गाइस ये ना तो ये एग्रेसिव होगा फिर ना आपको कोई परेशानी करेगा। तो गाइस ये छोटे से टिप्स थे कि घर के जो अभी अगर आप रॉटवाइलर घर में रखो तो उसको समय जरूर दो, घर के सभी मेंबर उसके साथ बॉन्डिंग में रहें, जहां सभी उसको खाना दे, ये ना हो कि एक ही बंदा घुमाए, पर्टिकुलर एक बंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रॉटवाइलर एक ऐसी ब्रीड है, ये जिसको मानता है दिल से मानता है, और जिसको नहीं मानता है उसको बिल्कुल नहीं मानता है, जो इससे अटैचमेंट ज्यादा रखेगा ये उसके लिए मर जाएगा और मार देगा, जैसे कहते हैं ना, जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। मैंने अपने मेल के बारे में बताया, वो मेल से उसका इतना अटैचमेंट है, वो मेरे लिए मर जाएगा मार देगा। देखा मैंने आपसे, आपने उस शो में भी देखा होगा, वो मेरे बगैर रहता ही नहीं है, मैं उसके चक्कर में तो पूरा शो नहीं देख पाता हूँ, तो आप एक ही जगह उसके साथ रहना पड़ता है मेरे, क्योंकि नहीं रहता हूँ किसी के साथ, अगर मैं उसके साथ कोई अदर बंदा छोड़ दिया तो उसको नहीं बर्दाश्त करता वो। हाँ जी, इसके बारे में बताइए सर। ये जो अभी मैंने आपको बताया था, आपने जो फीमेल एलेक्सा के साथ उड़ान से मैं कराई थी, ये उसी की बच्ची है जो मैं आपको बता रहा था, 3 मंथ की बच्ची हो चुकी है, 3 फीमेल है मेरे पास, तीनों मैंने रिटेन की हुई है, तीनों सेम क्वालिटी है जी। गाइस ये 3 मंथ की है, इसकी फीमेल है, बड़ा कितना 15 के आसपास का वेट है, ये क्वालिटी।
आपका है प्लान इसको सेल करने का? नहीं नहीं सर, ये रिटेन की हुई है मैंने, ये बस के लिए रिटेन की हुई है। तो गाइस अगर ना कोई आपसे रॉटवाइलर में कोई 20 से 30 50 80 हजार रुपया रेट क्यों ऊपर नीचे होता है, क्वालिटी ये होती है क्वालिटी। तीन महीने में मेरे पास 20 किलो बॉडी वेट होगा इसका। सर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहिए या लोकेशन? सर मेरा कांटेक्ट नंबर 9711515514, ये मेरा मोबाइल नंबर है, विजय मेरा नाम है और मेरा जो फेसबुक पेज है वो विजय चौधरी के नाम से है। और लोकेशन? लोकेशन है मेरी साउथ दिल्ली साकेत मेट्रो स्टेशन के पास। तो गाइस इस तरह की ऑसम क्वालिटी रॉटवाइलर तो सर के साथ जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। छोड़ दो? हाँ छोड़ दो उसको, चलो खेलो, मुझे दे देख मैं खिलाऊंगा। ओके आजा 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 ड्राइव देखो सर आसमान की, इसको बोलते हैं ड्राइव, ये होती है ट्रू ब्लू लाइन, इसीलिए पैसे होते हैं। आप 5000 का भी रॉटवाइलर ले सकते हो और 50 का भी ले सकते हो। तो ये ड्राइव देखो फीमेल की, क्या ड्राइव है फीमेल में, ये है क्वालिटी गाइस। देखो उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखो, ठीक है सर, थैंक यू।